हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। कल मैं बहुत लेट सोई। टाइम अभी 10 बज चुके हैं और मैं अब उठी हूँ। बाहर रोशनी भी हो गई है। 10 बजे तो मतलब मॉर्निंग हो गई है। सनी डे है आज, मे भी लग रहा है रूम की ब्राइटनेस देख के, आप भी देख सकते हो। चलो कर्टेन खोलती हूँ, उठती हूँ, ब्रश व्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, चाय बनाती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी बज चुके हैं 2:30 उस समय जब, तो अभी मैंने दोबारा से वो गर्म किया। अब मैं खाने लगी हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि लास्ट 10:30 मैंने शायद चाय पी थी, 10:41 पे चाय पी थी। यस, उसके बाद मैं अपनी जो वीडियो थी वो एडिट करने लग गई थी और उसको अपलोड किया मैंने। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर अपनी दीदी से बात की कैनेडा में, और अब लिटरली मुझे बहुत भूख लग रही है। तो आपको दिखाती हूँ मैं बिरयानी, गोट बिरयानी, मटन बिरयानी जिसको बोलते हैं। बट मेरी फ्रेंड है, मेरी जो फ्लैटमेट है, वो इसको गोट जैसे गोट बोलती है, तो मैंने गोट बिरयानी बोला। सो दिस इज़ माय यमी यमी बिरयानी। इसके साथ मुझे एक ये मिला था, कुछ ग्रेवी है, ये यहाँ की बहुत फेमस बिरयानी है, और ये कर्ड। तो चलो अब खाते हैं बिरयानी। हेलो फ्रेंड्स, शाम हो गई है और मैं हूँ कि अभी तक सुस्ती में लेटी हुई हूँ। बिरयानी खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती छा गई थी क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि मैंने उसमें दही लिया था, और दही खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है। फीलिंग मतलब लेज़ी और स्लीपी। मुझे नहीं पता आप लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, बट मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। मतलब दही और लस्सी पीते ही मतलब मुझे सुस्ती सी छा जाती है, मुझसे कुछ काम नहीं होता, मुझे नींद आने लगती है। मेरी मम्मी मुझे दही नहीं खाने देती थी इसी एक रीज़न की वजह से। तो चलो आप उठ गए हैं, टाइम पता नहीं क्या हुआ है, लेट मी चेक टाइम। 5:44 हो गए हैं, मतलब कि 6 बजने वाले हैं। बाहर अंधेरा हो गया है, यहाँ पे सर्दियाँ हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। देखो अब क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, क्योंकि कल तो कुछ बनाया नहीं था। बिरयानी ऑर्डर की थी तो रात में थोड़ी सी खाई, फिर दिन में भी वही खाई, सेम फ्लैटमेट ने भी वही खाई, दिन में भी वही खाई। अब मैं सोच रही हूँ कि गोभी काट रखी थी तो आलू गोभी मटर बनाती हूँ, साथ में रोटियाँ बनाती हूँ। चावल खा खा के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं वैसे अवॉइड कर रही हूँ चावल, मैं नहीं खाती हूँ, बट कभी कभी आलस आ जाता है, रोटी ना बनाने का तो खा लेती हूँ। बट अभी मैं जाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है सब्जी बनाने का। यहाँ पे हमारे पास गोभी तो मिल जाती है फ्रेश, मटर बहुत महंगे मिलते हैं तो हम फ्रोज़न यूज़ करते हैं, तो आलू मिल जाते हैं तो आलू मैंने काटने हैं। चलो तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं आलू मटर गोभी, एंड आटा मेरा गूंदा हुआ है और बनेंगे रोटियां। तो मिलते हैं किचन में। तो मैंने आलू मटर और गोभी बनानी है, जिसका सामान मैंने तैयार कर लिया है। चलो तो फटाफट आलू को पील करते हैं। तो अभी आलू गोभी बनाने के लिए मैंने 4 आलू फटाफट से पील कर लिए हैं। सारा सामान तैयार हो गया है। अब मैं एक अनियन को छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी छोटा कर सकते हैं। मेरा सारा सामान तैयार, गैस ऑन कर लिया है, एक कैनोला ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। मैंने किया गरम जीरा, अब मैं डालूँगी हरी मिर्च चॉप की हुई, अब फ्रोज़न मटर। मटर का क्या है कि मैं धोती नहीं हूँ,
फ्रोजन मटर मैं एज इट इज निकाल के फ्रिज से डायरेक्ट यूज़ करती हूँ और अच्छे से उसको तेल में फ्राई कर लेती हूँ। अगर मैं इसको धोऊंगी तो ये थोड़े सोगी हो जाएंगे, जो कि मुझे पसंद नहीं, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने डाली इसमें चॉप अनियन एंड हमारे पटैटोज जो मैंने काट के रखे थे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे कि ये सारी सब्जियां पक जाएंगी अच्छे से। अब नमक डालने के बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी जिससे कि ये जल्दी से पक जाए। पकने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी और धनिया पाउडर डालूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। और देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मैं जैसे कि आपको पता है कि सब्जी बना रही थी, तो बीच में ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई। मेरी फ्रेंड थी जो मतलब वो मुझसे बात करने लगी किसी टॉपिक पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट नहीं कर पाई हूँ। बट हाँ, सब्जी बन गई है अभी। बस मैं रूम में आ गई, बैठ गई, क्योंकि वो थोड़ी देर नैप ले रही थी और मुझे भी अभी भूख नहीं थी। तो मैंने उसको बोला कि जब तुझे खाना होगा जस्ट लेट मी नो, देन मैं रोटियां बना दूंगी, क्योंकि उसको रोटी बनानी नहीं आती, क्योंकि वो नेपाल से है, उसको ज़्यादातर राइस पसंद है, बट कभी कभी वो रोटी खाती है। तो आज मैं उसके लिए आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। तो बस अभी वो तो लेट गई, मैं भी अपने रूम में आके बैठ गई। ठंड हो रही है बाहर, तो बस मैं भी आके रजाई में बैठ गई। अब मैं सोच रही थी 9 बजे के आसपास मैं रोटी बनाऊंगी और तब मैं खाऊंगी। तब तक देखती हूँ क्या करूँ, शायद फ़ोन चला लेती हूँ, कोई सीरीज़ देखती हूँ। समझ नहीं आ रहा है, मैंने कपड़े भी धोने के लिए डाल रखे हैं आज मशीन में, बहुत दिन हो गए थे कपड़े नहीं धुले थे। बाथरूम ठीक हो गया है, मतलब टाइल लगा के चला गया था, आज सब कुछ हो गया है। बट आज हम शावर नहीं ले सकते थे, बट कल से वी कैन टेक शावर फाइनली आफ्टर 2 डेज। मैं मतलब सर्दी है बट गर्म पानी से नहाओ तो इतना फ़र्क तो पड़ता नहीं है। और यू नो, वैसे ही रूम में है, कमरे में बंद, कुछ कर नहीं सकते, कुछ जा नहीं सकते, ऊपर से नहा नहीं सकते, तो मतलब और ज़्यादा सुस्ती सी आ रखी है। मतलब बीमार नहीं हूँ बट फिर भी बीमारों जैसी फीलिंग आ रखी है ना, बहुत मुश्किल है। पर फाइनली कल मैं नहाऊंगी, अपना शावर लूंगी, मेन चीज। मतलब बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुके थे, शावर लेना था, फ्रेश फील नहीं हो पा रहा था। अंदर से फ्रेश फील कर रही हूँ बट फिर थोड़ी देर बाद वही सुस्ती छा रही है, क्योंकि जब तक होता है ना कि शावर ना लो तो आपको फ्रेश फील नहीं होता है। बट इंतज़ार ख़त्म, कल हम शावर ले पाएंगे फाइनली। कल से मैं सोच रही हूँ मैं पार्ट करना भी शुरू करूँगी, तो लेट्स सी, देखते हैं। बाकी बाबा जी के हाथ में है। तो चलो अब मैं खाना खाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, उसके बाद खाऊँगी, आपको दिखाऊँगी अपनी प्लेट, एंड देन मैं सो जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है बनाना, मुझे नहीं पता कि मुझे किस टाइप के बनाने हैं, बस मैं अभी तो बंद हूँ, तो बस जो मैं दिन में कर रही हूँ वही सब कवर कर पा रही हूँ, बाहर का मैं कुछ भी कवर नहीं कर पा रही हूँ। बट प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको किस टाइप के व्लॉग्स चाहिए, मैं किस टाइप की चीज़ें बनाऊँ, क्या चीज़ें कवर करूँ, क्या चीज़ें मेरे अभी तक, ये 3rd व्लॉग है, इसमें देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब क्या मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे वो बताना, मैं उसको ठीक करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो डैट कि मुझे थोड़ी और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अभी मैंने आज मैं लेटी थी तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज़ होती है, तो मतलब मैंने खुद पर्सनली अपनी लाइफ में वो चीज़ यू नो अभी कुछ दिन पहले एक्सपीरियंस की है, तो मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो तो मैं उस पर कवर करूँ, तो वो मैंने सोचा है। बट स्टिल आप लोगों भी प्लीज़ मुझे बताओ कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी मैं बनाऊँ।
और लेट्स सी, अभी जल्द मतलब एक दो दिन ही हुए हैं मुझे काम करते हुए, ज़्यादा मुझे अभी अच्छे से एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, बट स्टिल प्लीज़ मुझे प्यार दो सो डैट यू नो मैं जल्दी और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।